हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे वाइवा वॉक फॉर पीएन जंक्शन डायोड। और ये जो सेकंड वीडियो है, इसका फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज़ फर्मी एनर्जी लेवल? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत किसी भी अगर मटेरियल है तो उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। लेकिन ये कब बोलते हैं? जब टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो। और इस 0 केल्विन टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन साइड अ मेटल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप? तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो उसमें दो तरीके के बैंड एनर्जी लेवल हम लोग बात करते हैं। एक इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं, और इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, और इसको हम लोग कह सकते हैं द रीजन बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इन विच नो एनर्जी स्टेट्स आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की के नहीं रहने की एक जगह, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नहीं रह सकता है इन दोनों के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर दो तरीके के हम लोग मटेरियल देखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन की जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की जो होती है वो होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू वाइडली यूज्ड सेमी कंडक्टर? तो सेमी कंडक्टर क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इनका। देखिए, ये सिलिकॉन एटम की, सॉरी, मटेरियल की एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये सिलिकॉन के एटम्स हैं और इनसे मिलके क्या बना हुआ है, सिलिकॉन मटेरियल बना हुआ है। तो देखिए, ये जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ऐसे सभी जगह एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जब हम लोग इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव करेगा दूसरी तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा। तो हम लोग बहुत कम एनर्जी से ही हम लोग इनके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, किसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम के। तो इसीलिए इनका वाइडली यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हुज कंडक्टिविटी इज मोर इन सिलिकॉन और जर्मेनियम? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन दोनों में से कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? तो अगर हम लोग देखें, कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज कंडक्टिविटी इज मोर, सिलिकॉन और जर्मेनियम? तो दोनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन होता है? तो जो जर्मेनियम है उसकी कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। मतलब जर्मेनियम जो है वो ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल है और सिलिकॉन जो है वो कम कंडक्टिव मटेरियल है। देखिए, बैंड गैप कम होती है जर्मेनियम में, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम है। अगला क्वेश्चन, व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर? तो अभी हम लोगों ने ये एक सिलिकॉन मटेरियल की स्ट्रक्चर देखी थी, और अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको कहते हैं 0 केल्विन पे, ये जो सिलिकॉन मटेरियल है ये कैसा बिहेव करता है, एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो इंसुलेटर जैसा बिहेव क्यों करता है, क्योंकि 0 केल्विन पे ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं इनके जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं,
इसलिए कोई भी चार्ज यहाँ से फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसीलिए क्या होते हैं इंसुलेटर, लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल मीडियम से थोड़ी सी एनर्जी इन मटेरियल को देंगे तो इसके ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और टूटने के कारण यहाँ से चार्जेस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे मटेरियल में मूव करने लगेंगे। कब? ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर। इस तरीके से फिर ये मटेरियल क्या हो जाएगा, कंडक्टिव होगा। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर जैसा बिहेव भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, 0 केल्विन पे, और जो कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं लेकिन कब करते हैं, ग्रेटर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन मेन लाइफ टाइम ऑफ अ चार्ज कैरियर। तो देखें यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे और क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, कहीं भी मूव करें ये इलेक्ट्रॉन मूव होके दूसरी जगह कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये यहाँ पे वापस कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसको ब्रेक करके और यहाँ कहीं पे फ्री कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो डिफाइन करना चाहते हैं मेन लाइफ टाइम ऑफ अ चार्ज कैरियर, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, टूटते हैं और बनते हैं पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो हम लोग मेन लाइफ टाइम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम बिटवीन क्रिएशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपियर हुआ था क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया था, और यहाँ पे आके इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो ये क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेकडाउन होने में और क्रिएशन होने में एक कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम ऑफ अ चार्ज कैरियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, डिफाइन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो जैसे हम लोगों को बनाना है, क्या बनाना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है और एक क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो हमको इसमें कोई मटेरियल मिक्स करना पड़ेगा 13th ग्रुप से या फिर 15th ग्रुप से। 13th ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, और 15th ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो +5 होती है। अगर हम लोग 15th ग्रुप का मटेरियल बनाएं, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखिए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, और ये 5 वैलेंसी वाला मटेरियल जब आएगा तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे मिला दिया, जैसे ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम 14th ग्रुप के, 15th ग्रुप से अगर हम लोग एंटीमनी या बिस्मत मिला देते हैं तो वो बिस्मत एक सिलिकॉन एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे बिस्मत आ गया, 4 ने तो पैरिंग कर ली, इस बिस्मत का एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये जो है बिस्मत एक्चुअली यहाँ पे क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर इम्प्योरिटी हमने 13th ग्रुप से मिलाई है, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +5, तो +3 वैलेंसी है, लेकिन सिलिकॉन जो एटम है सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4, और आप दे कितने रहे हो, 3। तो अब देखिए इस सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक स्पेस है, मतलब एक पेयरिंग के लिए क्या बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग बोरॉन ले लें तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाली जगह पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बची रहेगी। तो मतलब ये जो बोरॉन है ये एक्चुअली किसके जैसा बिहेवियर करेगा, एक्सेप्टर के जैसा बिहेवियर करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगले क्वेश्चन को, व्हाट इज द रेशो ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालें किसका, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे, किसको मेजोरिटी किसको माइनॉरिटी कहेंगे। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है, होल है, और माइनॉरिटी में मतलब संख्या में कम किसकी, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मेजोरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो वेरी लार्ज होता है इन दोनों का
रेशो, मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ होल पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा यहाँ पे, कम रहेगा। अगली बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन की और बात कर रहे हैं जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में देख सकते हैं कि सारी बॉन्डिंग क्लियर रहती है, मतलब यहाँ पे जितने मेजोरिटी, अगर सपोज आपने एनर्जी दी है इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, एक होल प्रोड्यूस हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुआ तो यहाँ पे एक क्या प्रोड्यूस हो गया, होल प्रोड्यूस हो गया। इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल यहाँ पे क्या होंगे, क्रिएट होंगे। मतलब कि यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी में नहीं होता है और कोई भी माइनॉरिटी में नहीं होता है। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होते हैं, होल होते हैं। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू रेशो जो है वो क्या आता है यहाँ पे, 1 आता है। किसके लिए, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द कंडक्शन सॉरी बैंड एंड गैप एनर्जी इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्शन की, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में देखिए ये हो गया सपोज वैलेंस बैंड, और एक सॉरी ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और नीचे होता है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। ये हो गया ओवरलैप वाला रेजिन, यहाँ पे कंडक्शन बैंड भी है और यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड भी है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसकी है, वैलेंस बैंड की है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्टर जो है वो हाईली कंडक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में यहाँ पे होता है कंडक्शन बैंड और यहाँ पे होता है वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच की जो ये गैप होती है इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। और ये जो बैंड गैप एनर्जी है सिलिकॉन के केस में होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सिलिकॉन को इतनी एनर्जी दे दो या जर्मेनियम को इतनी एनर्जी दे दो तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, और वो फिर किसके जैसा बिहेव करेगा, एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। अगर बात करें हम लोग इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड रहते हैं इनके बीच में जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लगभग आप मान के चले कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी अगर आप किसी मटेरियल को दोगे तो उसका जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव कर पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इंसुलेटर जो है वो करंट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो। धन्यवाद।